एशिया पैसिफ़िक रीजन लाइक अफ़गानिस्तान आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश भूटान इंडिया कंबोडिया कुक आइसलैंड फिजी जियोर्जिया ये सब एशिया पैसिफिक रीजन में और भी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं तो इन कंट्रीज़ को इन नेशन की ग्रोथ को और कॉपरेशन बढ़ाने के लिए एक फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो है इस्टब्लिशमेंट हुआ था जिसका नाम था एडीबी (Asian Development एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एक क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो ये एशिया पैसेफिक रीजन को ग्रो करने के लिए उनकी उनके बीच में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए जो है इस डेवलपमेंट बैंक का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो ए डी बी असिस इट्स मेम्बर्स एंड पार्टनर्स बाई प्रोवाइडिंग लोन्स टेक्निकल असिस्टेंट ग्रांट्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स तो ये सारी चीजें जो है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है अपने मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड करती है टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो ए एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो कि एशिया पैसिफिक रीजन की ग्रोथ के लिए जो एशिया पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्रीज आती हैं और ए के मेंबर्स हैं उनको ग्रो करने के लिए उनकी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन्स टेक्निकल असिस्टेंट ग्रांट्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ये सारी चीजें प्रोवाइड कराती है तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है नाइनटीन दिसंबर 1966 को हुआ था इसका हेडक्वार्टर जो है वो मंदलियॉन्ग सिटी मेट्रो मैनलिया फिलीपींस में है और जब इसका स्टैब्लिसमेंट हुआ था तो उस वक्त इसमें थर्टी वन मेंबर्स थे यानी एशिया पैसिफिक रीजन के इकतीस इकतीस कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स विध धीरे धीरे टाइम जैसे आगे बढ़ा तो इसके मेंबर्स बढ़े और सिक्सटी एट मेंबर्स करेंटली हैं जिसमें से फोर्टी नाइन जो है एशिया पैसिफिक रीजन के हैं और वहीं पर नाइनटीन आउटसाइड हैं यानी कि जैसे यूएसए भी जो है इसका ए का जो है मेंबर है अमेरिका भी इसका मेंबर है तो सिक्सटी एट तो ए में से फोर्टी एशिया पैसिफिक रीजन के हैं और 19 आउटसाइड एशिया पैसिफिक रीजन के हैं तो इंडिया जो है इसका एडीबी का मेंबर जो है 1966 में इंडिया का मेंबर बना है और तब से अभी तक जो है इंडिया ने 785 प्रोजेक्ट्स के लिए 52.73 बिलियन डॉलर्स का जो है यहां से लोन लिया है यानी कि असिस्टेंट लिया है तो जब से ये मेंबर बना है एडीबी का बात कर लें रोल ऑफ ए तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे रोल ऑफ फंक्शन क्या होंगे तो रोल एंड फंक्शन ऑफ ए बात करें तो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि लोन ग्रांट्स फाइनेंशियल सपोर्ट जो है मेंबर कंट्रीज़ को प्रोवाइड करती है एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो है फाइनेंशियल अस्टेंट जो है प्रोवाइड करती है सपोर्ट ट्रेड बाई प्रोवाइडिंग फाइनेंस व्यापार बढ़ाने के लिए भी एक दूसरे मेंबर कंट्रीज़ के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए भी जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन्स टू पुअर मेंबर थ्रू ए यानी एशियन डेवलप डेवलपमेंट फंडस जो है क्रिएट किया गया और उसके थ्रू जो जो पुअर मेंबर्स हैं पुअर कंट्रीज हैं उनको लो इंटरेस्ट पे जो है लोन प्रोवाइड करती है जिससे कि उनका सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम जो भी कंट्रीज में जो है प्रोजेक्ट या प्रोग्राम चल रहे हैं उसको उसकी डेवलपमेंट के लिए जो है सपोर्ट करती है फिनांसियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है रीजनल कॉपरेशन यानी कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो है कॉपरेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज जो है उसको प्रमोट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है हेल्प करती है अलग अलग कंट्रीज में जो भी मेंबर्स हैं तो ए डी बम बात कर लें इसके ऑर्गेजेशनल स्ट्रक्चर का तो एडीबी में सिक्सटी एट शेयर होल्डिंग मेंबर्स हैं और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर है फिर जो है वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और फिर मैनेजमेंट टीम आती है तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तो हाइस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और इसमें जो है सभी मेंबर कंट्री से एक एक मेंबर है कॉम्प्राइजेस वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच मेंबर नेशन यानी कि जो सिक्सटी एट मेंबर नेशन है हर नेशन से एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में होता है और ये हर साल जो है एडीबी एन मीटिंग में मिलते तो बोर्ड ऑफ आता है director, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए चुनते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर हैं बारह मेंबर है और कौन चूज करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर ही चूज करता है जो सिक्सटी एट कंट्रीज है उनके मेंबर जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही सिलेक्ट करते हैं और ये जो है फुल टाइम ड्यूटी जो है परफॉर्म करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इनका काम क्या होता है द डायरेक्टर सुपरवाइज ए डी वीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको जो है सुपरवाइज करते हैं अप्रूव इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव बजट एंड रिव्यू एंड अप्रूव ऑल पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड ऑल लोन इक्विटी एंड टेक्निकल असिस्टेंट ऑपरेशन यानी कि ये सारी चीज़ों को जो है सुपरवाइज कर रहे होते हैं जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव बजट है या फिर जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं या लोन इक्विटी और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको ये असिस्ट करते हैं वहीं पर जो है फिर आता है मैनेजमेंट टीम तो मैनेजमेंट में एक प्रेसिडेंट होता है जो कि हेड होता है मैनेजमेंट टीम का और उसके साथ छह वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो एक प्रेसिडेंट हो गया मैनेजमेंट टीम का और छह वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और ये टीम जो है वो सुपरवाइज करती है एडीबी की ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉलेज डिपार्टमेंट को तो इसको जो है सुपरवाइज करती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है तो बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं फिर मैनेजमेंट टीम आती है और इसके जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसके जो है डिपार्टमेंट्स uh, भी यानी कि ब्रांचेज ओपन है एडीबी के तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ये क्या है एशिया पैसिफिक रीजन की सोशल इकोनॉमिक ग्रो करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुई थी यू ऑल द बेस्ट कीप वाचिंग